जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर अलाहाबादी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है एंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एक केमिस्ट्री होती है जो मूवी भी हम लोग देखते हैं, हीरो हीरोइन के बीच केमिस्ट्री ना, कहते ना भाई क्या सुपर हिट जोड़ी थी हीरो और हीरोइन की, तो आपस में केमिस्ट्री मतलब अंडरस्टैंडिंग थी। अब यहाँ की केमिस्ट्री भी ऐसे ही कुछ है। देखिए, जो हमने फिजिक्स पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था मैटर और एनर्जी का स्टडी है, मतलब द्रव्य और ऊर्जा का स्टडी है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है वो जानते हैं। यहाँ पर लोग पढ़ते हैं जो मैटर है किस चीज़ का बना है, उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है और उसकी क्वालिटी क्या है, यही सब पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। तो आ जाइए व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देते हैं। लिखा गया है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन, संरचना, अभिक्रिया, गुण एवं प्रयोगों का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे मैटर की स्टडी, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ते हैं मैटर, मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैटर किस चीज से बना है, उसका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, बनावट और क्या, रिएक्शन, उसमें भी बहुत टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, और रिएक्शंस और क्या, प्रॉपर्टी, उसकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है उस मैटर का। जैसे कि सॉलिड होता है तो भाई उसके जो एटम्स होते हैं क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, ऐसे पास पास, जैसे ठंडी में ही सब लोग अगर कहीं सफर करते हैं ट्रेन वगैरह में तो सट के बैठते हैं, लेकिन गर्मी में कहते हैं ए भाई थोड़ा दूर हटो। ठीक है, लेकिन ठंडी में पास पास आ जाते हैं ना, एकदम सिकुड़ के बैठते हैं। तो ठोस में क्या होता है, जो एटम होते हैं वो पास पास होते हैं। अब लिक्विड आता है तो थोड़े दूर हो गए, ठीक है, थोड़े दूर हो गए, और लेकिन गैस आया एकदम ही दूर हो गए, खूब दूर दूर हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कहते हैं कि वो प्यार और वार लफड़े में थोड़ा जब शुरुआत होता है लोग ऊपर से शो ऑफ करते हैं, मैं ऐसा हूँ, अच्छा हूँ, फिर धीरे धीरे जब सच्चाई पता चलती है थोड़ी थोड़ी दूरी होने लगती है, तो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। जब पूरी पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो गैस बदल जाते हैं, एकदम दूर दूर हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है भाई। ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है, सब मामला खत्म हो जाता है। तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है किसका, मैटर का, और इंसान भी तो मैटर ही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो उसमें भी पाई जाएगी। तो फिलहाल यहाँ समझते हैं, तो सॉलिड में एटम पास पास होते हैं, जब मतलब प्यार का शुरुआत होती है, और जब थोड़ा सा मन मुटाव होने लगता है तो लिक्विड बन जाते हैं, थोड़ा सा एटम उसके दूर दूर हो जाते हैं, और जब कोई लफड़ा हो जाता है बड़ा वाला, फिर एकदम से दूर हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ब्रेकअप डायरेक्ट, भैया कोई वास्ता ही नहीं रखना है। ठीक, तो और क्या पढ़ते हैं उसपे, एप्लीकेशन, इन मैटर का यूज भी तो है, तो क्या पढ़ते हैं इसका, एप्लीकेशन, डिफरेंट चीजों में इन मैटर का यूज होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में यही सारी चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या, CSRPA, सी फॉर कंपोजिशन, उस मैटर का कंपोजिशन किस चीज से बना है, और क्या पढ़ते हैं, एस फॉर स्ट्रक्चर, वो उसकी बनावट कैसी है। जैसे आपकी बॉडी बनावट, हमारी बॉडी बनावट ऊपर ऊपर से अलग है, पर अंदर से क्या है, सेम है, सभी किससे बने हैं, एटम्स के बने हैं। और क्या, आर, आर फॉर रिएक्शन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बायो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो मैटर में भी रिएक्शंस होते हैं। जैसे भाई सॉलिड था उसको गर्म किया लिक्विड बन गया, और गर्म किया गैस बन गया। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी, उसकी कुछ क्वालिटी होती है, जैसे हमने अभी बताया सॉलिड वाले थे तो पास पास शुरुआत थी मोहब्बत की, थोड़ा मनमुटाव हुआ थोड़ा दूर दूर लिक्विड हो गए, और मनमुटाव हुआ बड़ा वाला तो ब्रेकअप हो गया डायरेक्ट गैस बन गया। ठीक है, आगे एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, CSRPA, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ मैटर इज नोन एज क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, देखते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिनका नाम था क्या, देखिए नाम था उनका एंटोनी लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर, इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ
केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पप्पा, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? एंटोनी लेवोसियर। ये क्या थे? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। कहां के थे भाई? ये फ्रांस के थे, ठीक है। वैज्ञानिक थे कहां के? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन और फादर ऑफ केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ से शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।